हेलो, आइए। तो हम लोग पढ़ेंगे कंसाइनमेंट, राइट? इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर करिकुलम। ध्यान दीजिएगा, कंसाइनमेंट चैप्टर में हम माल नहीं बेचते हैं, हम बिकवाते हैं किसी से। सबसे पहला बात, गुड्स हम नहीं बेचता, हम किसी से। लाइट जलाओ ना, बीच वाला। अरे बीच वाला का तीनों। हाँ जलाओ, उधर भी जलाओ। हाँ, कंसाइनमेंट बिजनेस में हम खुद माल नहीं बेचते, हम बिकवाते हैं किसी से ना। जिससे भी हम बिकवाएंगे उसको बदले में हमको कुछ देना पड़ेगा। क्यों बेचेगा वो मेरा माल? तो उसको हम कमीशन देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दलाली, राइट? अभी यूजुअली क्या होता है, लोकल सिटी में तो हम बेच लेंगे, मेरा दुकान है। जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां भी हमको हमारा प्रेजेंस बनाए रखना है। जैसे मान लो हमारा है एकदम पूरा साउथ कैलकटा में, हमको नॉर्थ कैलकटा में एक अपना एक दुकान खोलना है। हमारे तो पॉसिबल नहीं है दोनों जगह बैठना, तो हम तो साउथ कैलकटा संभाल रहे हैं और नॉर्थ कैलकटा में हम अपना माल किसी से बिकवाएंगे और बदले में उसको कमीशन देंगे। अब धीरे धीरे हमको और बड़ा करना है, एक शहर हो गया, अब हम दूसरा शहर जाएंगे। ऐसे करते करते हम हर जगह अपना माल किसी ना किसी के थ्रू बिकवा रहे हैं, जिससे भी बिकवा रहे हैं उसको हम बदले में दे रहे हैं कमीशन। तो होता क्या है, मिस्टर एक्स अपना माल वाई को सेंड किया, सेंड गुड्स। पहला बात, वाई सेल्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। एक्स विल गिव कमीशन टू मिस्टर वाई। ठीक है, एक्स विल गिव कमीशन टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई विल रेमिट द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स नेट ऑफ कमीशन टू मिस्टर एक्स। बेसिकली इस मॉडल को हम लोग कंसाइनमेंट बोलते हैं। दिस इज द प्लेन सिंपल वनीला मॉडल, राइट? एकदम जैसे वनीला आइसक्रीम में कोई टेस्ट नहीं होता, इट्स अ प्लेन सिंपल वनीला मॉडल ऑफ कंसाइनमेंट। अब इसमें टू इन वन, बटर स्कॉच, ये सब बला 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 और आता रहेगा। समझ में आ रहा है? एक्स वाई को गुड्स दिया, वाई उसको बेचेगा एक्स के बिहाफ में, एक्स बदले में उसको कमीशन देगा, राइट? तो बेच के सारा रुपया किसके पास में? वाई के पास में। वो अपना कमीशन काटेगा और बाकी का रुपया एक्स को दे देगा, राइट? यस और नो? तो सर वाई को क्या फायदा है? वाई को ये फायदा, उसका कोई लागत नहीं लगा ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां हुआ उसका? दलालों का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बोलो खाली माल बिकवा देते हैं, कस्टमर अरेंज कर देता है, बस हो गया। 1%, 2%, 3%, 4% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन वो लोग ले लेता है। प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उनको क्या प्रॉपर्टी खरीदना पड़ता है?
वो खाली सेलर को बायर के साथ मिला देता है, अग्रीमेंट पेपर्स बनवा देगा, एक पार्टी से दूसरे पार्टी को पैसा दिलवा देगा, चाबी दिलवा देगा, तुम 1% लाओ, तुम 1% लाओ, खत्म। अभी कई बार क्या होता है, माल रखने के लिए हमको जगह चाहिए, जगह तो फ्री में आती नहीं है, स्टोरेज स्पेस। अभी व्यापार बढ़ गया, हमको एक दो स्टाफ भी रखना पड़ेगा, स्टाफ सैलरी। सो एनी अमाउंट इनकर्ड बाय मिस्टर वाई फॉर स्टोरिंग द गुड्स सेलिंग द गुड्स एक्सेट्रा विल बी reimbursed by Mr. X। भैया हम तो दलाल है ना, तुमने मेरे को गुड्स दिया, मेरे को अरेंज करने में टाइम लगेगा कस्टमर, तब तक माल कहां रखेंगे, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, तो एक गोडाउन भाड़ा में लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता पहले मैं कस्टमर अरेंज करूंगा, उससे एडवांस लूंगा, उसके बाद कस्टमर को डिलीवरी दूंगा, ऐसा नहीं होता है। हर टाइप का बिजनेस का अलग अलग मॉडल होता है। तो सर यहां पे लिखा है, कोई भी खर्च अगर वाई करेगा फॉर गुड्स को स्टोर करने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए, तो उसका रीइंबर्समेंट एक्स करेगा। तो कैसे होता है यहां पे रीइंबर्समेंट? बेच के सारा रुपया मेरे पास में है, उसमें से हम अपना कमीशन तो काटेंगे, यस और नो? और जो भी खर्चा हमने किया वो भी काट लेंगे, बाकी का पैसा हम तुमको दे देंगे, चलेगा ना भाई? तो कैन आई टेल कि ये जो बैलेंस रेमिटेंस का फिगर है, राइट, कैन आई से दैट रेमिटेंस इक्वल्स टू सेल प्रोसीड्स माइनस कमीशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस्टर वाई कोई तकलीफ किसी को? हाँ सर, एक्स को अपने बोलेंगे कंसाइनर और वाई को बोलेंगे कंसाइनी। बेसिकली ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया एजेंट। ये एक एक्टिविटी है ना, प्रॉफिट फ्रॉम दीज एक्टिविटी विल बी ऑफ कंसाइनर। वो हमको सारा खर्चा काट, उसका सारा खर्चा काट के हमको पैसा दे देगा, है ना? और हमने गुड्स कितने में खरीदा था ये हमको पता है, माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो ये प्रॉफिट हमारा है। तो सर कंसाइनी का क्या है? कंसाइनी मिलता है कमीशन,
कंसाइनी को कमीशन से मतलब है। अच्छा सर, हमको प्रॉफिट से मतलब है और उसको कमीशन से मतलब है, समझ आ रहा है? प्लेन सिंपल वनीला मॉडल और कुछ नहीं है ये। हाँ, LIC एजेंट्स भैया, दलाल बहुत टाइप के होते हैं, हर चीज के दलाल मिलते हैं बाजार में, शादी कराने वाला भी दलाल मिलता है। अगर तुम कुछ आप तुम अगर अपना हम सफर नहीं चुन पाया तो तुम्हारे लिए कोई है जो चुन देगा, matrimonial.com, मैजिक ब्रिक्स, 99 acres, राइट लेकिन यहां पर टेंजिबल गुड्स वाला दलाल के बारे में बात हो रहा है, जिसको गुड्स हम फिजिकली पहुंचाते हैं कि भैया तुम बेच। इस मॉडल को बोला जाता है कंसाइनमेंट बिजनेस। हमने तुमको गुड्स दिया, तुम वहां बेचो, अपना कमीशन रख लो, जो भी तुम्हारा खर्चा लगा उसको रख लो बेचने वक्त स्टोर करने के लिए, बाकी पैसा तुम हमको दे दो। तो उसने मेरे को बाकी का पैसा दे दिया और खरीदने के लिए मैंने कितना परचेस प्राइस था हमारा वो मेरे को पता है, माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, वो प्रॉफिट मेरा है, तुम्हारा कमीशन है। हाँ ना, अभी क्या होता है, भेजते वक्त हमारा भी खर्चा होता है, एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंस। हाँ ना, ट्रांसपोर्ट चार्ज, हमारा खर्चा लगा है भैया, इसको भी माइनस कर देंगे। कंसाइनी क्यों माइनस, हमने दिया है ना, आज तुम वहां बेचा अपना कमीशन रख लिया, तुमने जो खर्चा किया था स्टोरेज ऑफ गुड्स के लिए, सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए, जो भी खर्चा किया था वो सब काट ले, तुम बाकी का पैसा हमको दे दिया। अब प्रॉफिट तो मेरा है ना, तो हम अपना प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी गुड्स मैंने उसको भेजा था उसका परचेज प्राइस क्या है, उसको यहां से वहां भिजवाने का खर्चा क्या है, और माइनस दिस रेमिटेंस, जो मैंने जो मेरे को वो पैसा दिया सब कुछ काट कूट के, मेरा डिफरेंस इज माई प्रॉफिट, सिंपल, इनकम माइनस एक्सपेंस। हमारे को क्या करना है, ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, समझ में आ रहा है मेरा बात? मॉडल समझ में आया? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? ये तो बिजनेस मॉडल आपने समझाया कि हम उसको गुड्स भेजेंगे, वो बेचेगा, वो अपना कमीशन काट लेगा, जो भी खर्चा हुआ, खर्चा कैसा कैसा खर्चा होता है, माल को पालने का खर्चा, उसको बेचते वक्त एक दो स्टाफ वगैरह रखना पड़ेगा, उसका खर्चा, सारा खर्चा काट कूट के हमको बैलेंस पैसा वो दे दिया है ना, तो हमारा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? उसके पास बेच के सारा रुपया उसके पास आया था, उसमें से वो सारा खर्चा काट लिया, बाकी का रुपया हमको दे दिया, तो दिस नेट सेल प्रोसीड्स एक तरीके से बोल सकते हो ना। और ये गुड्स जो मैंने उसको भेजा था उसका परचेस प्राइस होगा ना, कि मंगड़े में आया था मेरे यहां, हमने जो गुड्स भेजा इसका कोई परचेस प्राइस होगा, तो नेट सेल प्रोसीड्स और परचेस प्राइस और ये भेजते वक्त जो खर्चा लगा था माइनस कर देंगे, इनकम एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओरली थोड़ी बताना है अपने को, एग्जामिनर को करके दिखाना है। तो हमारे को इस सब्जेक्ट में यही सीखना है कि ये जो प्रॉफिट है ये निकाला कैसे जाता है, प्रॉफिट ऑफ कंसाइनर इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग एन अकाउंट कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट।
यस और नो, आइए. सो हैशटैग प्रॉफिट ऑफ कंसाइनर इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरा बात? कहाँ की बात कहाँ चली गई? देखो, मैंने आपको गुड्स भेजा है. क्या भेजा? गुड्स भेजा है. क्या भेजा है? गुड्स भेजा है. आप क्या करेंगे? बेच के आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. उसमें से आप क्या काटेंगे? अपना कमीशन और अपना खर्चा. क्या, किस लिए खर्चा हुआ आपका? गुड्स को स्टोर करने का खर्चा और सेल करने का खर्चा, स्टाफ सैलरी वगैरह. बाकी पैसा आप क्या करेंगे? वापस करेंगे. तो मैं अपना प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? मेरा जो परचेज प्राइस लगा प्लस भेजने में जो खर्चा लगा, उस एक्सपेंस हो गया. और जो नेट सेल प्रोसीड्स, क्या नेट सेल प्रोसीड्स, इनकम माइनस एक्सपेंस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाए. ये प्रॉफिट मेरा है कि तुम्हारा है? मेरा, कंसाइनर का. तुम्हारा क्या है? कमीशन. समझ में आ रहा है? तो वो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या अकाउंट बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट जिस अकाउंट से प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट. जिस अकाउंट से प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होता है कि क्रेडिट? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड. नाउ क्या होता है, कई बार मैंने आपको जितना भेजा ना, वो आप उतना बेच नहीं पाते हैं. तो इन दैट केस आपके पास कोई माल अनसोल्ड रह जाता है. आज मान लो हमने खरीदा और हमारे पास अगर अनसोल्ड रह जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं ना. वैसे ही तुम्हारे पास कोई माल अनसोल्ड रह गया, उसका मालिकाना हक किसके पास में है? हमने तुमको माल भेजा, उसमें से तुमने बेचा, बट कुछ माल अनसोल्ड रह गया. वाई के पास में कुछ माल अनसोल्ड रह गया, उसका मालिकाना हक किसके पास में है? एक्स के पास की कंसाइनी के पास. कंसाइनी तो उसको पाल रहा है, बेच रहा है मेरे बिहाफ में, उसका मालिकाना हक किसके पास में है? जैसे तुम लोग सेल ऑन अप्रूवल में पढ़ा है ना, मेरा माल कस्टमर के घर पे रखा, अभी तक अप्रूवल आया नहीं है, तो वो माल किसका है? मेरा ही है ना. तो यहां पर भी वो, ये मेरा माल कंसाइनी के पास पड़ा, अभी तक बिका नहीं है, उसका मालिकाना हक किसके पास में? मेरे पास में. सो कोई भी गुड्स अनसोल्ड है, एनी गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट कंसाइनर्स, सॉरी, लाइंग अनसोल्ड एट कंसाइनी बिलोंग्स टू द कंसाइनर as
ownership of such goods is with consignor, as ownership of such goods is with consignor. Any goods lying unsold at consignees belongs to the consignor, as ownership of such goods is with consignor. तो अगर यह माल मेरा है, yes or no? तो पहले एक बात बताओ, जब मैं profit निकालूंगा, closing stock का दो treatment होता है, एक आता है trading account का credit side में, एक आता है balance sheet में. तो यहां पर कहां आएगा? मैंने जो भेजा इसमें से stock बचा हुआ है ना, इसका मतलब मैंने खर्चा दिखाया है, जो भेजा वो खर्चा दिखाया ना. जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, भेजा मान लो 10,000, बिका 8,000, तो 2,000 बचा हुआ है. तो जैसे उस ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में स्टॉक आता है, वैसे यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में पहले स्टॉक दिखाएंगे और फिर उसको कंसाइनर अपना बैलेंस शीट में दिखाएगा. इज दैट फाइन? तो यहां पर क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ऑब्लिक गुड्स लाइंग अनसोल्ड विथ कंसाइनी, एक ही बात है, शुड बी क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, एंड शोन एज एन एसेट इन किसका बैलेंस शीट? कंसाइनर्स बैलेंस शीट. Is that fine? ठीक है. डन. आइए, सो मैं आपको एग्जांपल कराता हूं. पी ने गुड्स भेजा है 1,00,000 रुपए का, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गया इसका 10,000, ठीक है, फोर फिफ्थ गुड्स सोल्ड बाय क्यू फॉर रुपीस 1,25,000, इसका कमीशन है 5%,
राइट, उसको कमीशन मिलेगा। इसका स्टोरेज एक्सपेंसेस लगा है 5,000, बस यही क्वेश्चन देता है वो लोग, इतना सा क्वेश्चन रहेगा और आपको सॉल्व करके दिखाना है। गुड्स मैंने भेज दिया तुमको 1 लाख का, मैंने तुमको गुड्स 1 लाख का भेजा, मतलब मेरा परचेज प्राइस 1 लाख है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरा 10,000 रुपये लगा है, तुमने 1/4 गुड्स बेचा है 1,25,000 में, कमीशन इज 5%, एज सिंपल एज दैट, कमीशन इज हाउ मच 5%, और तुम्हारा स्टोरेज का खर्चा लगा 5,000। रेमिटेंस का फिगर वो लोग देता नहीं है, वो अपने को निकालना पड़ता है अलग से, राइट। रेमिटेंस वो लोग नहीं देगा। फर्दर हमने जब तुमको एक्सप्लेनेशन दिया था तो मैंने आपको क्या बोला, परचेज प्राइस मेरा एक्सपेंस हो गया और नेट सेल प्रोसीड्स मेरा इनकम हो गया, दोनों को माइनस कर दो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। बट अपने ऐसे नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे, जब मेरे को वो रेमिटेंस का फिगर भेजेगा ना तो मैं उसको अलग अलग कर लूंगा। जैसे वो मेरे को क्या बोलेगा, सेल प्रोसीड माइनस कमीशन काटेगा, अपना खर्चा काटेगा, मेरे को बाकी का रुपया देगा, तो उसका हिसाब भेजता है वो हिसाब जो भेजता है वो रेमिटेंस जब भेजेगा वो हिसाब बनाकर भेजेगा, उसको बोलेंगे हम लोग अकाउंट सेल, सेल्स अकाउंट नहीं, क्या बोलेंगे उसको, अकाउंट सेल। ये हिसाब जो बना के ये भेज रहा है ना, इसको अकाउंट सेल्स बोला जाता है। तो ये अकाउंट सेल्स में पूरा डिटेल है हमारे पास। अच्छा, हम भी जब उसको गुड्स भेजते हैं ना तो हम प्रो फोर्मा, क्या प्रो फोर्मा इनवॉइस भेजते हैं, क्या भेजेंगे, प्रो फोर्मा इनवॉइस भेजूंगा मैं उसको, क्या भेजूंगा उसको मैं, प्रो फोर्मा इनवॉइस। ठीक है, तो ये हिसाब वो अकाउंट सेल्स में भेजता है। तो जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बताया था, जो रेमिटेंस का फिगर है उसे परचेज प्राइस माइनस कर लेना, ट्रांसपोर्ट चार्ज जो लगाओ माइनस कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। बट अपने क्या करेंगे, जो नेट सेल प्रोसीड है ना, मतलब रेमिटेंस, उसमें मैं अलग अलग कर लूंगा, उसमें सेल प्रोसीड हो गया इनकम और कमीशन, और उसने जो खर्चा किया स्टोरेज और सेलिंग के लिए, यस और नो, वो मेरा एक्सपेंस, तो मैं दोनों को अलग अलग रिपोर्ट करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए वो लोग रेमिटेंस का फिगर यूजुअली देता नहीं है, अपने को बोलेगा प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, प्लेन वनीला बॉन्ड है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। आप लोग एक बार नोट्स पढ़िए अच्छे से, जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया इसको कॉपी कर लो, इस चार्ट को सबका हो गया कॉपी। आइए तो चलिए हम लोग बनाते हैं, आप लोग बनाइए प्रिपेयर वन कंसाइनमेंट का लेजर। रूल मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन हो गया कॉपी, आइए लिखे इन द बुक्स ऑफ
कंसाइनमेंट अकाउंट, बनाइए कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, लिखा है सारा खर्चा विल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्वेश्चन में लिखा है ना, है ना, लिखा है ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आइए सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, हाँ या ना, हमने भेजा है ना कंसाइनी को, उसको हम लोग बोलते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 1 लाख का माल भेजा, खर्चा है, तो हमने आपको पहले एक रूल बता दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस के लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इनकम्स के लिए इट विल बी क्रेडिटेड। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख, और यहां लिख दूंगा रेफरेंस टू गुड्स, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। राइट है ना, उसके बाद 10,000 रुपये का और खर्चा लगा है, यस और नो, 10,000 रुपये का और खर्चा लगा है, तो ये तो मैंने अपने पॉकेट से दिया है, तो एक्सपेंस टू बैंक होता है, बट यहां पे क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, सारा खर्चा को लाइन से डेबिट करना है, इज दैट फाइन, तो ये दोनों खर्चा मैंने डेबिट कर दिया। अच्छा, उसने 1/5 माल बेचा 1,25,000 में, तो ये इनकम माना जाएगा, हमने आपको बताया था नेट सेल प्रोसीड नहीं दिखाएंगे, रेमिटेंस वाला फिगर उसमें अलग अलग कर लेंगे, सेल प्रोसीड को इनकम दिखाएंगे, जो काटा गया है
सेल प्रोसीड से उसको एक्सपेंस बोल के दिखाएंगे। अच्छा तो ये इनकम है, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया हमारा, ये पैसा किसके पास में है? सो बाई क्यू ब्रैकेट में कंसाइनी, रेफरेंसेस बहुत सिंपल, राइट? इज दैट फाइन? अच्छा कमीशन है 5%, तो सेल प्रोसीड्स का 5%, 1,25,000 का 5% करिए कितना होता है 6,250, ये भी खर्चा है हा? तो इनकम का पैसा हमको उससे लेना है, तो कमीशन का पैसा हमको उसको देना है, तो 2Q खाली रिमार्क्स के लिए मैं कमीशन लिख रहा हूं ब्रैकेट में, राइट? स्टोरेज वाला भी खर्चा है 5,000, ये पैसा भी क्यू को देना है, तो इसका मतलब हमारे पास रेमिटेंस कितना आया था 1,13,750। इनकम में से ये दोनों खर्चा माइनस होके आया था ना हमारे पास रेमिटेंस का फिगर, तो हम लोग क्या बोला आपको, जब अकाउंट बनाएंगे तो स्प्लिट कर लेंगे, इनकम को अलग दिखाएंगे एक्सपेंस को अलग दिखाएंगे, यस और नो? Is that fine? अभी अपने को क्या करना है, buy stock on consignment लिखा है ना, credited to consignment account, ध्यान दीजिएगा इसकी value कैसे आएगी, 1,00,000 का माल है, cost price पे दिखाएंगे ना, 4/5 बेच दिया गया, मतलब 1/5 इज इन स्टॉक, यस और नो? 4/5 बेच दिया गया मतलब 1/5 स्टॉक में है, तो 1,00,000 का गुड्स है, इसका हमने 1/5 करना है, वेट करो, हमने आपको हमारा इंट्रोडक्शन क्लास, सेकेंड या थर्ड इंट्रोडक्शन क्लास था, सेकेंड या थर्ड इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ले लिया जाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस आता है, देखिएगा ये तो हमारा परचेस प्राइस हो गया, यस और नो? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हो गया ट्रांसपोर्ट, कमीशन इज नॉट फिक्स्ड, ये तो सेलिंग से रिलेटेड हो गया, स्टोरेज इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, हर महीने देना है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त 1,00,000 और 10,000 इसका फिर 1/5 किया जाएगा, जिन लोगों ने हमारा क्लासेस फॉलो किया है उन लोगों को पता है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐड कर लेना है, जनरली फिक्स्ड एक्सपेंसेस में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आता है, लोडिंग अनलोडिंग आएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कंसाइनी पेमेंट करता है तो वो भी आ जाएगा, पेमेंट कौन किया उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, कई बार हम बोल दे भैया वहां जाएगा ना उस आदमी से ले लेना, अभी जैसे हमारा अभी माल आया आप लोग के सामने आया, ये जो माल आया ये कंसाइनर भेजा है, कंसाइनर ऑलरेडी उसको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दे दिया, कल भी माल आया था, कल वाला जो कंसाइनर था वो बोला बाबू से जाके ले लेना, समझ में आ रहा है? Are you earning my point?
तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस मैं पेमेंट करूं चाहे मेरा कंसाइनी पेमेंट करे, मेरे लिए तो खर्चा ही है। और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करते वक्त अपने को नेचर ऑफ एक्सपेंस देखना है, पेमेंट किसने किया वो नहीं देखना है। तो कई बार ऐसा भी होगा, आप लोग देखेंगे कि लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस आर बीइंग पेड बाय कंसाइनी, समझ में आ रहा है? तो उसको भी कैलकुलेशन में लेना, ये नहीं कि कंसाइनी दिया बोल के नहीं लेंगे। खाली कंसाइनी का जो स्टोरेज रिलेटेड खर्चा है और जो कमीशन रिलेटेड खर्चा है, सेलिंग रिलेटेड खर्चा है, ये सब खर्चा क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन में नहीं आता। ये सेल से रिलेटेड है, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब वन टाइम, नॉन रिकरिंग, नॉट रिलेटेड टू सेलिंग, इसलिए इसको नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। इज दैट फाइन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, स्टोरेज भी नहीं आ रहा है, स्टोरेज का खर्चा भी नहीं आ रहा है। तो गुड्स का प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन, उसका फिर 1/5 होगा। इज दैट क्लियर? कितना आ रहा है? 22,000। सो अल्टीमेटली आप लोग देखेंगे 2PL हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है भैया? 5,000? समझ में आ रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं सारा एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, इनकम क्रेडिट हो गया, स्टॉक क्रेडिट हो गया, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट आ गया। हमने आपको जो थ्योरी में बताया था, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बोला, सेल प्रोसीड से ये दोनों माइनस कर लो तो नेट सेल प्रोसीड आ गया। अगर मैं इनसे इसको माइनस कर देता हूं तो नेट सेल प्रोसीड आ जाएगा ना। खाली बार एरो करके दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये हो गया मेरा नेट सेल प्रोसीड, उसमें से मैंने आपको खर्चा माइनस करने बोला था तो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा था। हालांकि इसमें स्टॉक है तो स्टॉक दिखाने के बाद ही ना आएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ, हमारे को रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीज सही होना चाहिए। अमाउंट यहां पे आप क्या लिखते हैं, इसमें अगर गड़बड़ कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द अमाउंट शुड बी रिटन आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, ऑल इनकम शुड बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। समझ में आ रही मेरी बात? आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे। अब बुक कहाँ देखा, बुक दिखाइएगा एक बार। आइए
2001 जी पढ़िए सवाल को, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, श्री मुखर्जी ऑफ कोलकाता। अच्छा ठीक है, पढ़ लो एक बार और। राइट, आइए। श्री मुखर्जी कंसाइन 1000 केसेस, केसेस मतलब यूनिट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 100 ईच टू श्री गुप्ता ऑफ बॉम्बे। राइट, श्री मुखर्जी पेस द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट। जब मैंने भेजा तो मैंने कैरेज दिया 1000, फ्रेट दिया 3000, ये सब अलग अलग भाषा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का। लोडिंग चार्जेस माल चढ़ाने का 1000 रुपया, तो ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। श्री गुप्ता ने 700 केसेस बेच दिया एंड उसने खर्चा किया है क्लियरिंग चार्जेस, तो उसने भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन दिया है। वेयर हाउसिंग, पैकिंग एंड सेलिंग ये नहीं आएगा, वेयर हाउसिंग एंड पैक खर्चा तो सारा आएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते था खाली ट्रांसपोर्ट चार्जेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस लोडिंग अनलोडिंग यही सब आएगा। 50 हैज बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो ये माल तो श्री गुप्ता को मिला ही नहीं 1000 में, तो जो भी लॉस इन ट्रांजिट होता है उसका ट्रीटमेंट अपने क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। श्री गुप्ता को 5-10% कमीशन मिलेगा ऑन ग्रॉस सेल। आइए एक बार आपने फिर से पढ़ लेना है सवाल को, कुछ नहीं है। इन द बुक्स ऑफ श्री मुखर्जी अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है।
राइट आइए सबसे पहला टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बड़ा ही सिंपल है 1000 × 100 तो जो भेजा वो खर्चा है डेबिट साइड में आ गया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया रेफरेंस में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख दिया जब मैंने गुड्स भेजा 1000, 3000, 1000, 5000 का मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है अलग अलग नाम से फर्क नहीं पड़ता खर्चा पहले दिखाओ टू बैंक इसका पेमेंट मैंने डायरेक्ट किया है मैं लिख दूंगा यहां पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस समझ में आ रहा है तो मैंने 1 लाख का गुड्स भेजा है और 5000 मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है सामने वाले ने 700 यूनिट बेचा 140 करके इनकम हो गया 700 × 140 इनकम बताओ कितना आ रहा है 98,000 तो इनकम क्रेडिट साइड में आया रेफरेंस में ये पैसे मेरे को श्री गुप्ता जी से लेने हैं हाँ या ना ठीक है उसके बाद श्री गुप्ता का भी खर्चा हुआ है तो 850 खर्चा एक जगह हुआ 1700 खर्चा एक जगह हुआ और 600 का खर्चा एक जगह हुआ टू श्री गुप्ता इसमें क्लियरिंग चार्ज मतलब एक टाइप का ये ट्रांसपोर्टेशन ही होता है बाकी तो हमारा वेयरहाउसिंग मतलब स्टोरेज हो गया और हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस है स्टोरेज एक्सपेंस खर्चा तो सारा ही रीइंबर्स करेगा भाई मालिक कंसाइनमेंट अकाउंट में सारा खर्चा ही आएगा भले ही वो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हो लोडिंग हो अनलोडिंग हो स्टोरेज रिलेटेड हो सेलिंग रिलेटेड हो सब टाइप का खर्चा आएगा अच्छा कमीशन भी है 98,000 का 10% 9,800 ये भी श्री गुप्ता को देना है सर हो गया काम हमारा हो गया राइट अभी मैंने आपको बता रखा है कि जिस प्रकार हम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का ट्रीटमेंट दिखाते हैं उसी प्रकार हम लॉस इन ट्रांजिट का भी ट्रीटमेंट दिखाएंगे आइए तो यहां पर दो चीज आएगा एक आएगा हमारा लॉस इन ट्रांजिट और एक आएगा हमारा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जैसे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त फिक्स्ड एक्सपेंस ऐड किया जाता है वैसे ही इन द सिमिलर मैनर उसी तरीके से लॉस इन ट्रांजिट कैलकुलेट करते वक्त भी ट्रांसपोर्ट चार्ज को ऐड करना है सर पहले आप मेरे को यह बताइए इसमें से ट्रांसपोर्ट चार्ज है कौन कौन सा ये तो ट्रांसपोर्ट चार्ज है नहीं सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं है ये भी नहीं है ये दो ट्रांसपोर्ट चार्ज है कुछ खर्चा कंसाइनर ने किया है कुछ खर्चा कंसाइनी ने किया है राइट हाँ
नाउ ध्यान से देखने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात भी है, जो माल रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया है वो माल क्या कंसाइनी को मिला होगा? क्या कंसाइनी उस पर कुछ लोडिंग अनलोडिंग क्लियरिंग चार्जेस इंकर किया होगा? कई बार क्या विदेश से माल आता है, जहाज के थ्रू माल आता है, अब हमारा डॉक एरिया में माल आ गया है, वहां से आपको क्लियर करके लाना पड़ता है गुड्स। भाई लंदन से किसी ने माल भेज दिया मेरे को, या अफ्रीका से हमको किसी ने गुड्स भेज दिया, तो गुड्स तो आ गया हमारे पास, कहां आया? हमारे गोडाउन में थोड़ी आया, कहां है वो? डॉक में है, पोर्ट में है, वाटर बॉडीज के बाहर है, वहां से तुमको लाना पड़ेगा, कस्टम से क्लियर करवाना पड़ेगा। यस और नो? तो उसको बोलते क्लियरिंग चार्ज। तो भैया जो पानी में डूब गया, जो शिप में डिस्ट्रॉय हो गया, क्या उसको क्लियर कराने का खर्चा पागल है क्या? हम कभी जाके राख खरीदे हो? राख, टूटा हुआ टीवी, टूटा हुआ कांच, टूटा हुआ टेलीफोन, टूटा हुआ स्क्रीन गार्ड नहीं खरीदते हम। तो सर आपका कहने का क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब बेटा यह है कि लॉस इन ट्रांजिट जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो उस कैलकुलेशन में मैं खाली ये वाला ट्रांसपोर्ट लूंगा जो कंसाइनर ने किया है, लेकिन जब मैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैलकुलेट करूंगा उस समय मेरे को दोनों ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा मेरा बात? भैया जो गुड्स ने दम तोड़ दिया रास्ते में, उस पर क्या क्लियरिंग चार्ज दिया है? मैंने नहीं दिया क्लियरिंग चार्ज, वो मेरे को दिखा ही नहीं। 1000 आया था लेकिन मेरे को दिखा 950 ही, 1000 भेजा था 50 लॉस हो गया ट्रांजिट में। तो सर इसमें खाली ये वाला लेना है और नीचे वाला कैलकुलेट करते वक्त दोनों लेना है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मैं आपको एक वर्किंग नोट दिखा रहा हूं, वो वर्किंग नोट के जरिए हमारा वो वर्किंग नोट ऑटोमेटिकली दोनों का वैल्यू हमको बता देगा। ठीक है, आइए। सो वर्किंग नोट नंबर 1, हमें इस वर्किंग नोट से निकालना है लॉस इन ट्रांजिट एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। हमें निकालना है लॉस इन ट्रांजिट एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। राइट, आइए। सो हम बनाएंगे यूनिट और अमाउंट, दो कॉलम बनता है हमारा वर्किंग नोट का। राइट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, परचेज प्राइस 1000 का हमारा परचेज प्राइस है 1,00,000। इसमें मैं कंसाइनर वाला ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड कर दूंगा 5,000। तो हमारा 1,000 का कीमत कितना आया ट्रांसपोर्टेशन लेके? 1,05,000। अब मैं लॉस इन ट्रांजिट कैलकुलेट करूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा? ठीक है,
लॉस इन ट्रांजिट, डन। 50 है तो 1000 का दाम 105000 है, तो 105000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मैं 50 करूंगा तो मेरे को ये लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यू आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगा ना, इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज भी है और परचेज प्राइस दोनों है, क्योंकि मैंने 105 का प्रोपोर्शनेट किया है। समझ में आ रहा है? अपने वही तो किया था ना, 1 लाख प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज, उसका फिर 1/5 स्टॉक पहले वाला सम में। तो जब आप दोनों को ऐड करके उसका 1/5 ले रहे, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने दोनों को पहले ऐड कर लिया, उसके बाद प्रोपोर्शनेट किया है। कितना आ रहा है? 52 50। तो बचा कितना? 950। और बैलेंस कितना आ रहा है बताइए? 99। सेवन फाइव जीरो प्लस एक और खर्चा है। अब वो खर्चा ऐड होगा, क्लियरिंग चार्जेस। कितने का है? 850 का। तो 950 का दाम कितना हुआ बेटा? 750 प्लस 850, 1,06,000। तो अब हमारा आएगा 1,06,000 / 950। इसमें से 700 बेच दिया ना, तो 250 बचा हुआ है बेटा। टू सिक्स फोर सेवन फोर, 26,474। साढ़े नौ सौ में से 700 बेच दिया, तो 250 बचा ना क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके का वर्किंग नोट से दोनों आ गया मेरा, लॉस इन ट्रांजिट का भी वैल्यू आ गया और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी आ गया। अब मैं यही वैल्यूज यहां जाके लिख दूंगा, 52 50, 26,474। और बेटे ये सब ना आप लोग पेंसिल से किया कीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर में नहीं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा नोट नंबर 1, और इसमें भी मैं लिख दूंगा नोट नंबर 1, दोनों के नोट सेम है। 2PL हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा।
कितना आ रहा है? बोलिए। कितना? हाँ, वन वन। वन वन सेवन सेवन फोर। ठीक है, इज दैट फाइन? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सेम टाइम।